Hello everyone, how are you all? Yes, sir. And what about you? I'm also fine, beta. आज हम सभी को पढ़ना है आठवां पाठ है, पाठ आठ संस्कृत में, पाठ आठ। पाठ का क्या नाम है? अष्टभुग, अष्टभुगाः। सूक्त मीन्स अच्छे कथन, अष्टभुगा मीन्स गुच्छा या समूह। इसका होगा सूक्त अष्टभुगा मीन्स अच्छे कथनों का समूह। इस पर कल हम लोग रीडिंग भी किए थे पाठ का, जो आपके एक से पांच श्लोक हैं, जिस पर रीडिंग भी हुआ था और इसके बाद शब्दार्थ सहित उसका हिंदी अर्थ भी बताया गया था, हिंदी अनुवाद भी बताया गया था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अभ्यासा पर। इसमें आपका प्रश्न नंबर एक से लेकर प्रश्न नंबर सात छह तक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बुक शेयर किया जा रहा है, इसके बाद फिर आगे चर्चा होगी, आगे पढ़ा जाएगा। Yes, sir. बुक सभी को दिखा बेटा। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. तो दिखने लगे। इसमें देखिए शब्दार्थ वगैरह कल हो गया था। Yes. इसमें देखिए पहला प्रश्न है अभ्यासा में, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोक को क्या करना है? सस्वर गायन करना है। तो इसको आप लोग करेंगे, गायन आप लोग करेंगे इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर दो, इसलो कांसान योज्यत, जो श्लोकों के अंश दिए गए इनको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना मतलब मिलाना उसके सामने आपको, जैसे तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता गच्छन पिपील को याति योजना नाम सताने अप प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका काका किशड़ा पिका किशड़ा को भेद पिक का क्यों। ये इस तरह आपको मिलान करने हैं, मतलब आपको तीर के माध्यम से नहीं करना है, आपको उसके सामने लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे का के सामने क्या लिखेंगे? तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता गच्छन पिपील को याति योजना नाम सताने अपि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न समर्थता काका किशड़ा पिका किशड़ा को भेद पिक का क्यों। तो बेटा आपको उसके सामने लिखना है, समझ में आया नहीं? मतलब आपका तस्मात प्रियम के सामने क्या लिखना है? वचने का दरिद्रता गच्छन को याद के सामने आपको लिखना है योजना नाम आने अपि प्रिय वाक्य प्रदानीन के सामने लिखना आपको सर्वे तुष्यंत जंतवा किम भवत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन के सामने लिखना है आपको क्या लिखना है? जीवने यो न सार्थका काका किशड़ा पिका किशड़ा के सामने लिखना है आपको को भेदा पिक का क्यों। मतलब ये श्लोक के आपके कुछ अंश इधर दिए गए हैं, तो इसके सामने आपको जो श्लोक का अंश है, जो श्लोक है उसके अंश जो है उसको आपको उसके सामने लिखना है। तो समझ में आ गया बेटा सभी को? सर समझ में आ गया, सर आ गया। इसमें देखिए प्रश्न नंबर तीन, इसमें क्या करना है? प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपके प्रश्न दिए गए, प्रश्न पूछे गए, इसके आपको इसके नीचे आप क्या करना है? उत्तर लिखना है। ये आपके प्रश्न है सर्वे जंतवा, सर्वे जंतवा केन तुष्यंत, केन माने किससे संतुष्ट, तुष्यंत में संतुष्ट होते हैं सभी जंत या सभी मानो किससे संतुष्ट होते हैं, सभी मानो या सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। अरुण आप बताओ,
अरुण सर अरुण बेटा आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप सीधा आपका सिर्फ फेस दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। अंश अंश पांडे सर महक प्रिय वाक्यम प्रधान अंश बता रहे हो आप? यस सर सब प्रिय वाक्य प्रधानेन। बेटा आपको इसमें क्या किया गया, एक पद में नहीं बताना, पूरा उत्तर आपको बताना है, पूरे लाइन में, मतलब एक वाक्य में आपको बताना है। मैक बेटा बताओ। मैक सर्वे जनत्वा प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यंत। बहुत बढ़िया बेटा, इसमें देखिए क्या करना है, केन किससे संतुष्ट होते हैं, तुष्यंत किससे संतुष्ट होते हैं, सर्वे जनत्वा सभी जंत या सभी मानव किससे संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय मीन्स अच्छा या प्रिय वचन, प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रधानेन मीन्स बोलने से, प्रिय वाक्य प्रधानेन प्रिय वचन बोलने से, सर्वे जनत्वा प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यंत, सभी जंतु सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, सर्वे जनत्वा प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यंत। बहुत बढ़िया बेटा। खा देखो, टिक काक्यो भेदा कदा भवति, टिक काक्यो कौवा और कोयल में भेदा भेद अंतर कदा भवति, कब होता है, कब पता चलता है, कौवा और कोयल में अंतर कब पता चलता है, किस समय? अविरल आप बताओ, अविरल अविरल बेटा आपसे पूछा जा रहा है। अविरल इस तरह बेटा आप बताओगे कैसे, अविरल डिस्कनेक्ट हो गई क्या लग रहा है हमें। चलिए अंश आप बताओ। यस सर। सर पीका कोया भेद को काका कृष्णा पीका कृष्णा। नहीं बेटा, इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पिक का क्यों कौवा और कोयल में, कोयल और कौवे में भेदा अंतर भेद कदा भवति, कब होता है, कब पता चलता है। तो इसमें कृष्णा काका मतलब उसका रंग नहीं पूछ रहा है, उसका अंतर पूछ रहा है, उसका अंतर उसका भेद कब पता चलता है कि कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। ये आप तो उसका रंग बता रहे हो, कृष्णा मीन्स काला होता है तो उसका आप रंग बता रहे हो, रंग नहीं पूछा गया। अरुणा बताओ। काला कौवा का बेटा दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, प्रश्न नंबर 3 के खा का, अभी तक आप सुनी नहीं रहे हो, आप अपना सही से बैठिए, वीडियो ऑन करिए अपना। सर वीडियो ऑन है तो इसका उत्तर बताइए खा का, इसका मतलब आप लोग देखते नहीं हो, सिर्फ आपको मॉर्निंग में क्लास पढ़ाया जाता है, क्लास पढ़ लेते हो, इसके बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, न इसका जो वीडियो अपलोड किया जाता है वीडियो देखते हो, न समझते हो, इतना छोटा उसमें अंतर अंतर बताया गया कि अंतर कब पता चलता है, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। प्रश्न आपका क्या कहते हैं, पांचवा श्लोक है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक बच्चा दो बच्चा बताने से कैसे काम चलेगा, जब आप सभी उसका जब आपको पढ़ाया गया उसका सारा अर्थ बताया गया, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया, एक एक शब्द के शब्दार्थ बताए गए हैं, तब भी आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। मैक आप बताओ। सर पिक काकयो वेदाः वशंत समये भवत। बहुत बढ़िया बेटा, वसंत समय भवति, जब वसंत का वसंत की ऋतु आती, वसंत का समय आता है, तो उन दोनों में क्या कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पिक काकयो भेदा वसंत समय भवति, पिक काकयो भेदा वसंत समय भवति, कौवे और कोयल में
अंतर भेद वसंत के समय वसंत के ऋतु के समय पता चलता है, क्योंकि वसंत का मौसम जब आता है बहुत सुहावना होता है, चारों तरफ क्या होती है हरियाली हरियाली होती है, पीले पीले फूल खिले होते हैं, ये सब होता है ना। तो उसमें कौवा और कोयल जब आवाज करते हैं तो कोयल की आवाज क्या है, मीठी है, मधुर वाणी है, और कौवे की कट वाणी है। तो उसमें दोनों में जब बोलते हैं तभी पता चलता है। तो इसका खाका उत्तर होगा प्रिय पिक काकेओ भेदा वसंत समय भवती। बहुत बढ़िया बेटा। मैं गा देखें, का गच्छन, का माने कौन, गच्छन में चलता हुआ, कौन चलता हुआ, योजना नाम, सतान्यपि याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों कोस दूर चला जाता है, मतलब का गच्छन, कौन चलता हुआ, योजना नाम, योजना नाम मीन्स लगभग 12 किलोमीटर या 4 कोसों का, सतान्यपि मीन्स क्या होता है 100 कोसों से अधिक जाता है, मतलब 400 कोसों से अधिक जाता है, कौन जाता है, कौन चलता हुआ 400 कोसों से अधिक जा सकता है, जाता है, आंसर बताओ। मुर्गा लगातार अगर चल रहा है तो इसमें दो ही बताए गए थे, एक चलता हुआ सैकड़ों सैकड़ों कोस दूर जा सकता है, और एक बैठा हुआ न चलता हुआ, यही दो बताए गए थे। आपका श्लोक है प्रश्न, चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक में इसको बताया गया है। अंश अरुण आप बताओ। सर गच्छन पीपी लोको यत योजनानम, अंश जब पूछा जाए बेटा तब बताओ पिपील को क्या है, आप सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो अंश। ऐसा ना हो बेटा कि जो नहीं पढ़ा उसके यहाँ फोन करना पड़े कि आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं बेटा आप बताओ, पिपील को गच्छन योजना नाम सतान्यपयात। यस बेटा, गच्छन पिपील का, गच्छन पिपील का योजना नाम सतान्यपि याति, गच्छन पिपील का योजना नाम सतान्यपि याति। तो इसका उत्तर क्या होगा, मतलब चलता हुआ, चलती हुई नर चीटी, चलती हुई नर चीटी योजना नाम सतान्यपि, मतलब 100 कोसों से अधिक चली जाती है, चलती हुई लगातार अगर वो चल रही है तो बहुत दूर तक, 4 कोस से अधिक, 100 कोसों से अधिक जा सकती है। इसका ये होगा बेटा, गच्छन पिपील का योजना नाम सतान्यपि याति। सर अब वीडियो क्या कह रहे हो अरुण? सर वीडियो दिखने लगी बेटा, इसमें गा का उत्तर क्या होगा, गच्छन पिपील का योजना नाम सतान्यपि याति। घा देखें, प्रश्न है अस्माभ किम वक्तव्यम, अस्माभि किम माने क्या, अस्माभ माने हमारे द्वारा, वक्तव्यम बोलना चाहिए, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, अस्माभ किम वक्तव्यम हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। अंश पांडे आप बताओ, हिंदी में बताओ हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, बताया गया है श्लोक 3 में है। बेटा आप पहले से तैयारी करके नहीं बैठोगे तो पेज पलटने से आपको नहीं पता चलेगा कि आप पेज पलट के आप कहां देख रहे हो, आपको तुरंत नहीं मिलेगा। ये बैड गंदी आदत है आप लोगों की, आप लोग पहले से बताया गया, पहले से जो होता है उसको आप देख के बैठिए। इसको बेटा बताने में क्या है, आपका 10 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, इस तरह आपको न समझाया जाए तो आपका ये जो अभ्यास कार्य है 10 मिनट में मैं बता के खत्म कर दूं। इसको आप ध्यान में रखिए बेटा। मैं का बताओ, ये लोग नहीं बताएंगे, मैं का आप ही बताइए।
अस्माप की मुक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए? अस्माप्तव्यम वचने का दरिद्रता। अस्माभि ही रिपीट करो। प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता, वचने में क्या दरिद्रता, इसमें मतलब बोलने में क्या गरीबी, ये नहीं पूछा गया बेटा। अस्माप की मक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, ये पूछा गया, हमें क्या बोलना चाहिए? अस्माभ प्रियम वक्तव्यम। यस बेटा, प्रियम माने प्रिय। अस्माभ की मक्तव्यम प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा अस्माभि प्रियम, अस्माभ प्रियम वक्तव्यम, अस्माभ प्रियम वक्तव्यम। समझ में आया बेटा सभी को? सभी को समझ में आया कि नहीं? यस सर। अस्माभि, हमारे द्वारा प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए। अस्माभ प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए। इसमें देखें धा, ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा, सभी को समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर फिर से बता दे रहा हूँ। सर्वे जंतवा केन तुष्यंत, सर्वे जंतवा प्रियवाक प्रदानेन तुष्यंति। खा का खा देखें, प्रश्न है आपका पिक काक्यो भेदा कदा भवत, खा का उत्तर होगा पिक काक्यो भेदा वसन समय भवती। गा, प्रश्न है आपका का गच्छन योजना नाम सतान्य पियाति, इसका उत्तर होगा गच्छन पिपील का योजना नाम सतान्य पियाति। घा, प्रश्न आपका है अस्माभ किम वक्तव्यम, घा का उत्तर होगा अस्माभ प्रियम वक्तव्यम। अब इसमें देखें प्रश्न नंबर चार, उचित कथना नाम, जो उचित कथन है, जो अच्छे मतलब जो सही कथन है, समक्षम सामने, उचित कथना नाम समक्षम, उचित कथनों के सामने या सही कथनों के सामने, आम, आम माने हाँ, अनुचित कथना नाम समक्षम, जो अनुचित जो गलत कथन है उनके सामने क्या लिखना है आपको, ना इत लिखत, ऐसा लिखें, मतलब सही कथनों के सामने आम हाँ लिखना है आपको, और जो गलत कथन है उनके सामने ना लिखना है आपको। तो देखिए इसमें काका किसरा न भवती, काका किसरा न भवत, कौवा काला ना भवती, नहीं होता है कौवा काला, नहीं होता है, आप बताओ आंसर। ना ना, कौवा काला नहीं होता है, तो ना माने नहीं, मतलब कौवा काला होता है ना, तो इसका यहाँ पे काका किसड़ा बहुत होना चाहिए, काका किसड़ा, कौवा काला होता है तब आपका यहाँ पे आम होता है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही नहीं होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे ना होगा, ना माने नहीं, ये प्रश्न गलत है, ये जो है कथन गलत है, तो यहाँ पे ना लिखेंगे। यस सर। अब देखिए अस्माभ प्रियम वक्तव्यम, देखिए घा का उत्तर यहाँ पे दिया गया था। यस सर। अस्माभ प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए। सिद्धात्री वीडियो ऑन करें अपने बेटा, वीडियो ऑन करें अपना बेटा। सिद्धात्री आप बताओ, अस्माभ प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, कथन सही है कि गलत? सर गलत। अंश आपको बीच में नहीं बोलना, जब पूछा जाए बेटा तब बताइए, जब पूछा जाए तब नहीं बोलते हो। उन्होंने सिद्धात्री ने गलत बताया, तो गलत क्यों है सिद्धात्री, आप ये बताओ सिद्धात्री। हमारे द्वारा मीठा बोलना नहीं चाहिए, हमारे द्वारा मीठा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कैसे बेटा, आप मीठा नहीं बोलोगे, मीठा मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रिय, अच्छा बोलना, अच्छा आप नहीं बोलोगे, लोगों से अच्छे व्यवहार नहीं करोगे, दूसरों के साथ अच्छा नहीं बोलोगे, बातचीत अच्छी नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति आपका प्रिय होगा, आपसे वो क्या करेगा, ईर्ष्या करने लगे, आपसे वो बात भी नहीं करेगा,
तो ये बेटा गलत नहीं है, सही है। अस्माभ प्रिय मोक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। ये आपका प्रश्न होगा, क्या होगा? आम होगा, सही प्रश्न। ये आपका जो कथन दिया गया है सही है, तो यहाँ पे आम लिखेंगे। सिद्धात्री आप वीडियो वगैरह नहीं देख रहे हो, क्लास भी आप बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्लास भी नहीं लेते हो, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होता है वीडियो देखा करो, उसको समझो तो क्या है। क्लास लेने से मतलब नहीं, आप क्लास लेके 10 मिनट 5 मिनट क्लास लेके आप लीव ले लो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो बेटा। महक ऐसी बच्ची है बेटा कि जो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, तो आप ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पे आपको पता हो कि नेटवर्क पकड़ेगा। चलिए इसमें गा देखें, वसंत समय पिक्का क्यों, वसंत समय वसंत राम। अरे सिद्धार्थ अभी बेटा प्रश्न तो होने दो, कथन तो होने दो, तब बताओ पहले क्यों बता रहे हो। वसंत समय पिक्का क्यों भेदा भवत, वसंत के समय पिक्का क्यों भेदा, कौवे और कोयल में भेद होता है, अंतर होता है, अंतर पता चलता है। चलो सिद्धार्थी आप ही बताओ। सर सही है, सही है, तो क्या लिखा? मैं क्या बताऊं सर? आम। आम लिखेंगे सिद्धार्थी, यहाँ पे बताया गया प्रश्न में बताया गया कि आम मीन्स क्या होता है, आम मीन्स हाँ, ना माने नहीं, आम मीन्स हाँ ना माने नहीं, यहाँ पे सही गलत नहीं लिखना है, आम और ना लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, गा में आम होगा। घा देखें, बैंते बैंते या पशु अस्तु, बैंते मीन्स गरुड़, पशु है, पशु मीन्स जानवर है, गरुड़ जानवर है। अंश आप बताओ इसका आम कि ना, अंश ना नहीं बेटा, ना माने नहीं। बैंते या गरुड़ क्या है, पक्षी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पक्षी अस्त, बैंते या पक्षी अस्त तो आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे बैंते या पशु अस्त, गरुड़ पशु है, तो यहाँ पे ना होगा, ना माने नहीं, गलत है। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, बोलने में वाणी में गरीबी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या बताओ? आम। आम, यस बेटा आम। तो देखिए यस बेटा, एक बार हो गया तो बार बार उसी में रिपीट मत करो। चलिए ठीक है, इसमें देखिए काका क्या होगा, काका कृष्णा ना बहुत ही, इसमें लिखेंगे ना, खामे अस्माप प्रिय मोक्तव्यम, क्या लिखेंगे, आम। समय अब मत बोलो बेटा, अब नहीं बोलना है आपको, अब मैं बता रहा हूँ, एक जब पूछू तब बताइए, जब मैं बता रहा हूँ एक साथ में तो उसको आप सुनिए। वसंत समय पिक्का के भेदा बहुत ही आम, बैंते बैंते पशुअस्त ना होगा इसका, वचने दरिद्रता न कर्तव्य आम। समझ में आया बेटा सभी को? यस यस सर। पांचवा देखें, पांच और छह आपके दो प्रश्न और हैं। देखिए मंजूसाता समानार्थ कानि पदान चित्वा लिखत, इसमें इस पेटिका में समानार्थक शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनको चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पे समानार्थक मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची, जिसका अर्थ क्या हो, समान ही हो। आप देखें, चलो अंश आप बताओ। यस सर। वचने वचने मीन्स क्या होता है, वचन, कथने कथने, वचने का क्या होगा, कथने, वचन मीन्स वचन बोलना, कथन मीन्स कथन, इसका समान समानार्थक शब्द है वचने का कथने। यहाँ पे जो दिया गया उसी से आपको ढूंढना है, उसी से करना है बेटा, और क्या होता है इससे नहीं मतलब है। जो यहाँ पे पांच दिए गए आपको, यहाँ पे पांच हैं, पांच का आपको समानार्थक शब्द लिखना है, तो वचने का कथने। सिद्धात्री बैंतेया का आप बताओ, बैंतेया ग्रंथे, बैंतेया का क्या होगा, ग्रंथे, ग्रंथे कैसे होगा, मैं क्या बताओ,
गरुड़ा। बैंतया जो है वो गरुड़ है, तो यहाँ पे गरुड़ा होगा कि ग्रंथ होगा, ग्रंथ थोड़ो है बैंतया, बैंतया ग्रंथ है। दात्री सर इस तरह बेटा ध्यान दोगे आप? चलिए सिद्धात्री बेटा ध्यान से देख के बताइए, बैंतया का गरुड़, बैंतया जो है बैंतया पक्षी है ना, पक्षियों का राजा है, तो यहाँ पे गरुड़, गरुड़ जो बैंतया मीन्स गरुड़ होता है, तो यहाँ पे समानार्थक पूछा गया, समान तो बैंतया का होगा गरुड़। पुस्तके, चलो सिद्धात्री आप बताओ पुस्तके का क्या होगा बेटा? माइक ऑन करके बताओ पुस्तके का? परिचमेड। नहीं बेटा आप गलत ही बताओगे, परिसर में मीन्स परिश्रम होता है, पुस्तक परिश्रम है? नो सर। यहाँ पे बेटा ये आपको ढूंढ के इसमें से बनने हैं, तो इसमें आपके दो भर दो हो चुके हैं, आपके गरुड़ा कथने हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रंथ होगा, पुस्तक एक ग्रंथ होती है, पुस्तक क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ के रूप में लिखी जाती है या छोटी छोटी लिखी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा पुस्तके का होगा ग्रंथे, पुस्तके ग्रंथे समानार्थक है, उद्मेन मैक उद्मेन परिश्रमेड। यस बेटा सिद्धात्री मैंने बताया ना बेटा, जब पूछा जाए तब बताइए, आप बीच में आप छोटे बच्चे नहीं हो, बीच में आप छोटे बच्चों की तरह मत बताइए। मैंने महक का नाम पहले लिया तो महक को ही बताने दीजिए, जब आप नहीं बता पाएगी तब आपसे पूछा जाए, आपसे दो पूछा गया आपने नहीं बताया, जो आता बेटा उसको आप सिर्फ हैंड शो करिए। उद्मेन का क्या होगा? महक आप बताओ। परिश्रमेण। बहुत बढ़िया बेटा, उद्मेन परिश्रमेण, उद्मेन का परिश्रमेण। पिका का अंश आप बताओ, पिका कोयला, कोयला कोयला यहाँ पे लिखा गया, ये कोयला है? नो सर। देखकर बताओ अंश। कोकिला। तो बेटा कोयल कोयला और कोकिला में फर्क है, ध्यान दीजिए, आपको इस तरह गलत नहीं बताना, जब आपको देख के बताना है तो आप गलत क्यों बता रहे हो? यस बेटा बहुत बढ़िया, इसमें देखिए वचने का क्या होगा, कथने, बैंतया के सामने आपको लिखना है गरुड़ा, पुस्तके के सामने लिखना है ग्रंथे, और उद्मीन के सामने आपको लिखना है परिसरमीण, पिका के सामने आपको लिखना है कोकिला। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया कि नहीं सिद्धात्री, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब इसमें देखिए विलोम पदाय, विलोम पदान योज्यत, विलोम पद जो है उनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना मीन्स उसके सामने आपको यहाँ पे तीर के माध्यम से नहीं करना है, आपको तीर के माध्यम से नहीं करना है। उत्तर में आप नीचे जब उत्तर में लिखेंगे तो का लिखेंगे, का पूरा यही रहेगा, और खा में का के सामने जो होगा उसको खा में लिखना है आपको। चलिए देखिए सार्थका मीन्स होता है उपयोगी, कृष्णा मीन्स होता है काला, अनुक्तम मीन्स होता है न कहा हुआ, अनुक्तम मीन्स न कहा हुआ, गच्छत माने जाता है, और जागृतस, जागृतस मीन्स जागते हुए का, जागृतस मीन्स जागते हुए का। अब इसमें इधर मैं भी बता, इधर का भी बता दे रहा हूं, आगच्छति मीन्स होता है क्या, ना दौड़ना ना चलता, जाता है, तो आगच्छत मीन्स आता है, यहाँ पे देखिए गच्छ, आगच्छत मीन्स आता है, श्वेता मीन्स सफेद, सुप्तस मीन्स सोते हुए का, उक्तम मीन्स कहा हुआ, और निरर्थक मीन्स अनुपयोगी, मतलब जिसका उपयोग ना हो, अनुपयोगी। चलिए इसमें जिसे अब बेटा जिससे पूछा जाएगा सिर्फ हैंड शो करेगा, आप लोग हैंड शो करोगे मैं पूछूंगा उसे, सार्थका, सार्थका के सामने क्या होगा सिद्धात्री आप बताओ? निर्थका। यस बेटा निर्थका, निरर्थका, निर्थका नहीं निरर्थका, इसमें रा पदे रा रेप की मात्रा था पर है और रा भी है, तो निरर्थका, निरर्थका मीन्स निरर्थक अनुपयोगी, सार्थका मीन्स उपयोगी। बहुत बढ़िया बेटा, किशला अंश पांडे आप किशला का बताओ।
सर श्वेता। यस बेटा श्वेता, उसके सामने ही लिखा है किसरा का श्वेता। किसरा मीन्स काला, श्वेता मीन्स सफेद सफेद। अनुक्तक अनुक्तम 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 मैं का बताओ सर उक्तम। अनुक्तम का उक्तम, अनुक्तम का उक्तम, अनुक्तम के सामने लिखेंगे उक्तम। न कहा हुआ, अनुक्तम मीन्स न कहा हुआ, उक्तम मीन्स कहा हुआ। यस बेटा बहुत बढ़िया। गच्छति सिद्धात्री, गच्छति अगच्छत। यस बेटा गच्छत के सामने आपको लिखना है अगच्छत। गच्छत का क्या होगा, अगच्छत। गच्छत मीन्स जाता हुआ, अगच्छत मीन्स आता हुआ। जागृतस, जागृतस मैं का बताओ सुप्तस्य। यस बेटा बहुत बढ़िया। जागृतस मीन्स जागते हुए का, सुप्तस्य मीन्स सोते हुए का। बहुत बढ़िया। देखिए सार्थक के सामने आपको लिखना है निरर्थक, किसना के सामने श्वेता, अनुक्तम के सामने उक्तम, और गच्छत के सामने आगच्छत, और जागृतस के सामने आपको लिखना है सुप्तस। यस बेटा सभी को ये जो पढ़ाया गया आज, आज जो चर्चा हुई अभ्यास पर, सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया? यस सर। सर क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है इसमें बेटा? क्वेश्चन फर्स्ट में आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोक को सस्वर गायन करना है। आप इसको करिएगा। एक्सक्यूज मी। यस बेटा। सर आपने जो चैप्टर फिफ्थ का, सर जो आपने उसका पोयम का जो आपने हिंदी अर्थ दिया था सर, हम लोगों ने पेज नहीं छोड़ा है। तो बेटा आप उसको पेज नहीं छोड़ा, दूसरे पेज पे लग कर सकते हो। यस सर। उसमें पार्ट का नाम आप राइट कर दीजिएगा। यस सर। बेटा नहीं छोड़ा, आज दिया गया है ना? यस सर। हाँ तो उसमें आपने छठवां पार्ट भी लिख लिया है क्या? पार्ट छह भी लिख लिया क्या महक? सभी ने पार्ट छह लिखा है कि नहीं अभी? सर कॉपी में। यस बेटा। सर टू पे छोड़ दिए हैं सर, सर लिखा है सर, लिखे हैं कॉपी में लेकिन टू पे छोड़ दिए हैं। ये मीटिंग एंड करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर।